अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हमारी ख़बर का उन्वान है हज़रत मौलाना अबसारुल हक आज़मी कासमी इस दार फ़ानी से रुख़सत हो गए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजून। इस ख़बर के लिए रियासत कर्नाटक से जनाब मोहम्मद नासिर सोशल इंडिया न्यूज़ को बता रहे हैं कि मरहूम मिर्ज़ा हादीपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मरहूम की उम्र तकरीबन 57 साल थी। उनकी शुरू की तालीम घर के पास ही मकतब में हुई है। इसके बाद उन्होंने मिरकातुल उलूम मऊनाथ भंजन में दाखिला लिया और वहीं से फजीलत की डिग्री हासिल की। बाद अज़ां आपने दारुलूम देवबंद का रुख किया और वहाँ से तालीम की तकमील की। आपको बता दें कि मऊनाथ भंजन के मिरकातुल उलूम में रहते हुए उन्होंने जानवे तलम्बुज तय किया है मुहद्दिस आज़म मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी के सामने। यानी आप मुहद्दिस आज़म मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी के शागिर्द रशीद रहे हैं। जनाब मोहम्मद नासिर मजीद बता रहे हैं कि मरहूम यानी मौलाना अबसारुल हक आज़मी कासमी और ख़ुद इनके नासिर साहब के वालिद हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिम के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। दोनों दरसी साथी रहे हैं और दोनों आपस में मुखलिस दोस्त रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मौलाना अबसारुल हक आज़मी कासमी अलमाहदुल इस्लामी के नाज़िम आला अलफारान ट्रस्ट मऊनाथ भंजन के चेयरमैन और अल आज़मी अस्पताल के डायरेक्टर रहे हैं। बहरहाल गुनागुन सिफात के हामिल एक अहम शख्स हमसे जुदा हो गए हैं। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाएँ और पसमानदगान को सब्र जमील दें।